वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम हैं गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत साहिब जी, पटना साहिब। गुरुद्वारा बाल लीला, ये कभी राजा फतेह चंद मैनी का महल था। राजा साहब की पत्नी जो थी रानी साहिबा, उनका वो अपने पुत्र की तरह गोविंद राय जी को मानती थी और उनको एक आस थी कि मेरे भी गोविंद राय जी की तरह ही पुत्र हो। एक बार उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, परंतु गुरु जी ने यही कहा कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं। उसके बाद जब गुरु जी ने पटना छोड़ने का इरादा बनाया, तब रानी साहिबा ने उनके आगे अर्ज की, तो उन्होंने यही कहा कि जो आप काले चने और हलवा कड़ाव जो मेरे को बनाती हैं, वही अगर आप बच्चों को यहाँ खिलाती रहेंगी तो ये समझिएगा कि मैं यहाँ ये जो विशाल इमारत आप देख रहे हैं, ये राजा फतेह चंद जी मैनी यात्री निवास है। यहाँ यात्री अपना रात गुजार सकते हैं, रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है गुरुद्वारा साहब की ओर से। रिसेप्शन यात्री निवास, इस सबकी जो कार सेवा है वो दूरी वाले संत श्री अमृतसर कर रहे हैं। रहने की व्यवस्था गुरुद्वारा बाल लीला में बहुत ही खूबसूरत है। ये एक कमरे का आपको दृश्य दिखा रहा हूं। किसी भी 5 स्टार से कम नहीं। वॉशरूम्स, हमारे साथ जो सेवादार आए हैं लवप्रीत जी, और लवप्रीत जी ने कहा कि क्योंकि रूम्स के डिजाइन अलग अलग हैं, इसलिए आप एक और रूम भी अपने वीडियो में जरूर दिखाएं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है लवप्रीत जी का। अंदर ही एक कॉफी शॉप भी है जहां आपको खाने पीने की चीजें, पेस्ट्रीज, पैटीज, बिस्किट्स, कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ मिलता है। लंगर हॉल, बाल लीला गुरुद्वारा 24 घंटे यहाँ लंगर की सेवा चलती रहती है। दूर दूर से, देशों विदेशों से संगत यहाँ आती है और गुरु का लंगर 24 घंटे बरताया जाता है यहाँ पर। दरबार साहब, गुरुद्वारा बाल लीला,